अगर उसे लग रहा है कि मुझे सज़ा हो जाएगी या मैं निर्दोष हूँ, ये भी उसके अंदर फीलिंग आ रही है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और इसको रोकना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जेलों में क्या है कि आपके पास चादर है, उसको फाड़ के रस्सी बना लेते हैं, अपने कपड़ों को बना लेते हैं और एकांत में गए टॉयलेट में, वहाँ पे करते हैं, तो ये भी बड़ी घटना होती है। और इस नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत, प्रैक्टिसिंग दिल्ली हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपने हमारे काफ़ी सारे वीडियोस जेल के देखे होंगे जिसमें हमने आपको जेल्स के बारे में बताया है। आज मैं खुद जेल अथॉरिटी के पास आया हूँ, मिस्टर पीएन पांडे जी के पास। तो सर, प्लीज़ आप अपने हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं पीएन पांडे 1993 बैच का जेल ऑफिसर हूँ और लगभग मेरी 25 से ऊपर साल की सेवाएं हो चुकी हैं। काफ़ी सारी मूवीज़ में लोगों ने देखा है कि जेल्स के हालात क्या हैं, क्योंकि आम जो जन है वो मूवीज़ ही देखता है, रियलिटी उन्हें नहीं पता है, जिसमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, पनिशमेंट दी जाती है छोटे छोटे काम के लिए, और इंसान और गंदे हालात से गुजरता है वहाँ पर। तो इसकी रियलिटी क्या है? क्या हम मूवी से रिलेट कर सकते हैं जो रियल में जेल्स हैं? देखिए, फिल्मों में कुछ चीज़ें जो हमारी सच्चाई होती है उससे पैदा होती हैं, कुछ चीज़ें वो एग्जरेट करते हैं। सच्चाई, हकीकत जो है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। और जहाँ करप्शन की बात है या रूल्स रेगुलेशन की बात है, एक जनरलाइज्ड ट्रुथ नहीं है कि हम कह सकते कि ये चीज़ हर जेल पे हो रही है या हर जगह ऐसा होता है या सारी जेलों में ही ऐसा होता है। सबसे पहले आप सर इस वीडियो में बताइए लोगों की जो प्रिजनर्स होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं। देखिए, बंदियों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा कि कोई जेल जाता है तो इसका मतलब नहीं कि उसके हक खत्म हो जाते हैं। जेल जाना ही खुद पनिशमेंट है, फर्दर जेल जाने के बाद उनको कोई और पनिशमेंट नहीं मिलना है। तो इनकी आज़ादी छीन ली जाती है, लिबर्टी घूमने फिरने की छीन ली जाती है बाहर के समाज में जाने से। लेकिन उसके एक वो ह्यूमन बींग तब भी रहता है, उसके साथ सम्मान से व्यवहार करना है, उसके पास अगर लीगल एक्सेस नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं, तो उसको एडवोकेट प्रोवाइड कराना है, उनको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा देनी है, उनको मनोरंजन का अधिकार है। और एक बड़ा अधिकार उनको है कि हमारे साथ भी, एक बंदी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए जो किसी एक सामान्य व्यक्ति के साथ उसकी मर्यादा, उसका मान सम्मान वैसे ही रहे। आप अनावश्यक रूप से उसका कोई उत्पीड़न नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस बात को दोहराया है जी, कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन गोज इन साइड द जेल, ही डज नॉट बिकम अ नॉन पर्सन। आपकी यूनिफॉर्म देख के लोगों को लग रहा होगा कि आप पुलिस विभाग से हैं, और तो आप लोगों को बताइए कि पुलिस विभाग और जेल विभाग ये दोनों भिन्न कैसे हैं और क्यों भिन्न हैं? देखिए, शुरुआत में जब हमारी सभ्यता विकसित हुई, उस दौरान पुलिस और कारागार अलग विभाग नहीं होते थे। एक ही शासन सत्ता को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी होती थी, वही दोनों काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न डेज में हम विकसित राज्य के रूप में विकास हम लोग हमारा हुआ, तो ये हुआ कि जिस आदमी पे आरोप जो लगा रहा है, यानी अभियोजन जो कर रहा है, जैसे पुलिस अरेस्ट कर रही है, कह रही कि अमुक आदमी ने ये काम किया है, अगर उसको उसी के कब्जे में रखा जाएगा जी तो फिर उसका सही ट्रायल कैसे हो पाएगा? वो अपने हिसाब से मोटिवेट कर सकता है, उसको प्रॉम्प्ट कर सकता है कि आपको यही बोलना है न्यायालय में, ये करना। इसलिए एक तटस्थ इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता थी कि उसमें उसे रखा जाए। और इसीलिए उसको पुलिस कस्टडी से भिन्न न्यायिक अभिरक्षा बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी बोलते जुडिशियल हैं, क्योंकि कस्टडी पुलिस कोर्ट में ले जाती है, 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास रख नहीं सकती है। फिर कोर्ट अगर उसे लगता है कि इसका ट्रायल होना है और बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो वो जेल को भेजती है। जेल के अधिकारी पुलिस अधिकारी से भिन्न होते हैं और बंदी इस बाबत आश्वस्त होते हैं कि हमको पुलिस ने जो टॉर्चर करने का आरोप लगा है या पुलिस हमको पकड़ ला रही है, मैं उसी की कस्टडी में नहीं रहूँगा, मैं तटस्थ रूप से अपनी बात रख सकता हूँ। जी, आपका फुल डे स्केड्यूल क्या रहता है? हम लोग का स्केड्यूल खासतौर पे जो लोअर रैंक ऑफिसर हमारे यहाँ डेप्टी जनरल जनरल बहुत ही हेक्टिक होता है। मॉर्निंग में उनको सुबह 6:30 से 5:30 बजे के बीच आना पड़ता है अनलॉक कराने के लिए, काउंटिंग वगैरह करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कराना होता है, डिफरेंट जगहों पे बंदियों जो काम पे जाते हैं उनकी काउंटिंग करा के कस्टडी में हैंडओवर करके, जो कॉन्स्टेबलरी हमारी होती है वार्डर्स, उनको देने के बाद फिर वो बैग जाते हैं, फिर 10 बजे 9:30 बजे फिर बैग होते हैं, कोर्ट बंदियों को मूव कराना है, जी उनका मील्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत से लेटर्स होते हैं जो कोर्ट्स को भेजने होते हैं, हेडक्वार्टर्स को भेजने होते हैं, रेंज ऑफिसर्स को भेजने होते हैं, उनको ड्राफ्ट करना, इन्फॉर्मेशन्स अपडेट करनी होती है। देयर आफ्टर वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक होता है जब एक डे ऑफिसर होता है और शेष लोग घर जाते हैं, फिर वो 4:30 के आसपास आते हैं, फिर
जब तक जेल लॉक नहीं हो जाती है, काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है, कोई मिसफॉर्चून अगर घटना हुई तो वो डिले भी हो जाता है, तो फिर लेट आवर्स में वो जाते हैं, फिर नाइट ऑफिसर के रूप में उनकी ड्यूटी होती है। तो बहुत ही एक टफ़ और बहुत चैलेंजिंग और मोनोटोनस जैसा जॉब होता है उनके लिए। अगर आप सोचिए कि कोई 30 साल कोई जेल ऑफिसर नौकरी किया है तो 10 साल उसके जेल के अंदर बीतते हैं, एक तरह से वो भी इम्प्रिजनमेंट भुगतता है जी। और इसलिए दूसरे जगहों पे इसके लिए जॉब करने के लिए आदमी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमारा जो जेल का जॉब है, जो एक सर्वे में पढ़ रहा था कि टॉप 10 मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब में से एक है। ओके, एक काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन है, लोगों के बीच में भी काफ़ी रहता है कि जेल की ज़रूरत क्या है, पर्पज़ क्या है जेल का? देखिए, जेल जो बनाई गई ज़्यादातर जनमानस में यही रहता है कि सज़ा देने की जगह है, लेकिन इसका पूरा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो उसको समझने की ज़रूरत है कि जैसे किसी ने ये लगा किसी पे कि ये अपराध इसने किया है और कोर्ट को ये महसूस हुआ कि हाँ लग रहा है कि ये अपराध किया हो सकता है और इसको बेल नहीं देनी है, तो जेल भेजने का 2 से 3 पर्पज़ है। एक तो ये आरोपी जेल में रहेगा तो जो अपने विरुद्ध इसके जो साक्षी हैं या इसके अगेंस्ट में जो विटनेस हैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जेल में रह कर जी। दूसरा ये है कि वो जुडिशियल जब कस्टडी में रहता है उस दौरान वो फर्दर और कोई क्राइम ना करे। समाज में एक क्राइम ऑलरेडी वो कर चुका है जिसका ट्रायल होना है, अब वो बाहर अगर सोसाइटी में रहेगा तो फर्दर फिर क्राइम कर सकता है। तो ये 2 मुख्य पर्पज हो जाता है जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ किसी को जेल भेजने के लिए। तीसरी बात है, जेल हम तब भी लोगों को भेजती है कोर्ट जब वो साबित हो जाता है कि उसने अपराध कर लिया है। अब अपराध कर लिया है तो दंड के कई तरीके होते थे प्राचीन काल में, कोड़े लगाना, लोगों को मारना, हाथ के बदले हाथ काट लेना, चोरी के लिए अलग अलग सजाएं, डकैती के लिए अलग, बलात्कार के लिए। लेकिन हम जैसे सभ्य समाज हुए तो मान लिया कि इसकी आज़ादी छीन लें तो इसको पर्याप्त सज़ा मिल जाएगी, तो सज़ा के बतौर जेल भेजा जाता है। और फिर हमारी फिलॉसफी हमने एक्सेप्ट कर ली है, भारत सरकार ने भी और हमारी सरकार ने भी, कि अन्य सभ्य राष्ट्रों के साथ, कि जेल हम भेजते हैं तो उसका केवल सज़ा देना नहीं मतलब है कि उसने अपराध किया तो सज़ा, उसको अब ऐसा एक नागरिक बना के बाहर निकालना है कि बाद में फिर अपराध ना करे और समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल हो जाए। तो जेलों का यही पर्पज़ है, एक तो सेफ़ एंड सिक्योर कस्टडी कि ताकि फर्दर कोई क्राइम ना कर रहा हो जब तक उसका ट्रायल समाप्त ना हो, कन्विक्शन ना हो या एक्विटल ना हो, फिर अगर कन्विक्शन हो गया तो उस सज़ा के दौरान उसको इस ढंग से ट्रेन करना, इस ढंग से उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना कि फिर वो समाज की मुख्य धारा में आए और कोई बाद में अपराध न करे। आप बताइए कितने कैटेगरी के प्रिजनर्स हैं जेल में? देखिए, जेल में जो है एक तो अंडर ट्रायल होते हैं, मतलब उसको शुरू में रिमांड प्रिजनर्स बोलते हैं कि कोर्ट ने रिमांड कर दिया है, फिर चार्जशीट फ्रेम होती है तो अंडर ट्रायल प्रिजनर हो जाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे प्रिजनर होते हैं जो सिविल प्रिजनर बोलते हैं, जिन्हें वो रेवेन्यू डिफॉल्टर होते हैं, उनको भी कभी कभी भेज दिया जाता है जेल में रहने के लिए इन कोई उन्होंने, और कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में होते हैं जैसे रासुका लगा है, कोई अपराध नहीं उन्होंने किया है लेकिन फर्दर कोई क्राइम कर सकते हैं या समाज में इस बात की आशंका है कि अव्यवस्था हो सकती है जी, उस पर्पज़ से उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज दिया जाता है। फिर वो बंदी होते हैं जिन्हें सज़ा सुना दी गई है, उन्हें कन्विक्टेड या सिद्ध दोष बंदी बोलते हैं हम लोग। कन्विक्टेड का परसेंटेज कितना है जेल्स में? ये बार बार हमारे न्यायालयों ने भी चिंता की है, हमारे अंडर ट्रायल बंदियों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा, 74% लगभग पूरे भारत में लास्ट जो डेटा अवेलेबल है NCRB का जी, लगभग 74 से 76% अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं और कन्विक्टेड शेष कन्विक्टेड प्रिजनर हैं। तो ये रेशियो थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि जब तक उसको सजा ना ही पड़ी है हमको ये कोशिश करनी है कि वो जेल के अंदर ना रहे, क्योंकि हमारा स्टेट एक्सचेकर पे, हमारे राजकोष पे बहुत इसका खर्च होता है और बड़ा अमाउंट हम लोग उस पर खर्च करते हैं। तो जैसे ही इनका अनुपात कम होगा या स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी से इनका मामला निस्तारित हो। चैलेंजेस क्या फेस करते हैं अंडर ट्रायल्स की? अंडर ट्रायल्स का सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है कि एक तो इनका नंबर्स बहुत ज़्यादा, हमारी कैपेसिटी कम है, ये जैसे इनकी संख्या कम होगी तो ठीक रहेगा। दूसरा, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उसमें उसे बहुत से ऐसे बंदी होते हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत अकिंचन हैं और पेटी ऑफेंसेस में हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील कर सकें, तो ये हम लोग ड्यूटी बाउंड होते हैं। लीगल एड सर्विसेज हर जगह अब हो गया है सर्वोच्च न्यायालय की वजह से, नालसा और सालसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, लीगल एड अथॉरिटीज़ हैं, तो उनको एडवोकेट्स प्रोवाइड कराना
कुछ ऐसे हैं जो दूसरे ज़िले या दूसरे राज्य के हैं, उनके घर को हम लोग सूचित करते हैं कि आपका घर का परिजन यहाँ पे लॉस्ड है, और दूर से आने जाने में बहुत तो उनको दिक्कत हो रही है, तो उनके परिजनों को उनको फिर हम लोगों ने फैसिलिटीज कर रखी है कि पीसीओ से बात कर लेते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं मुलाकात के बजाय। जो प्रिजनर्स हैं हमारे, जो कैदी हैं, उनका शेड्यूल क्या होता है पूरे डे का? देखिए, शेड्यूल जो हमारा जो विंटर और समर दो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, उसके टाइमिंग्स चेंज है, लेकिन मॉर्निंग में सबसे पहले अनलॉक करते हैं हम लोग और उसको टैली करते हैं कि जितने लॉक्ड बंदी थे कल रात को उतने हैं कि नहीं, मैच करते हैं कि नहीं, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काउंटिंग बेस्ड हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी है जी। अगर कल रात को किसी बैरक में 70 बंदे थे तो सुबह 70 ही हमको मिलने चाहिए, एक्सेप्ट कि रात में कोई बीमार हुआ उसको शिफ्ट किया गया या कहीं दूर हम लोगों ने कहीं उसको रवाना किया है या किसी जगह चेंज किया कि सर्टेन वजह से, तो मैचिंग ऑफ द काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अनलॉक करने के बाद डेली रूटीन अपना जो डेली कोर्स का है, उनको टॉयलेट जाना है, बाथरूम का है, नहाना है, उसके बाद प्रार्थना हम लोग कराते हैं, और प्रार्थना के बाद फिर उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, फिर लॉकिंग का टाइम होता है, अमूमन हम लोग लंच देने के बाद 12 से 3 ये इनका लॉक्ड होता है, फिर इवनिंग टाइम में वो अपने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थोड़ी बहुत होती है उसमें वो पार्टिसिपेट जो करना चाहते हैं वो करते हैं, फिर वो अपनी प्रेयर करते हैं, फिर अगर बीच में मैं बताना भूल गया कि जैसे कोर्ट जाते हैं, जिनको कोर्ट जाना जी, है जी। जिनके मुलाकात होनी है मुलाकात स्थल पे आते हैं और फिर वो लॉक्ड किए जाते हैं, फिर काउंटिंग करके, ये नॉर्मली इनका शेड्यूल है। जो बंदी बीच में एंटरटेनमेंट के लिए हर हमारे उसमें बैरक्स में टेलीविज़न सेट्स लगे हुए हैं, लाइब्रेरीज की बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हर बंदियों को अवेलेबल है, तो उसमें अपना वो टाइम पास करते हैं। जेल अथॉरिटीज़ भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराती है, टूर्नामेंट वगैरह? टूर्नामेंट हमारा इंटरनल होता है कि हमने बांट दिया कि एक सर्किल अलग है, दूसरी सर्किल अलग है, बट ये इतना फ्रिक्वेंट फिनोमिना नहीं है कि रोज़ टूर्नामेंट हो रहा है। ओके, ओके। लेकिन इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ लाइक हर बैरक में सारे बंदियों के पास है, चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, मतलब ये जो जिसमें हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड नहीं होती जी जी जी, वो सब फैसिलिटीज उनको है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह कैदियों के लिए क्या चलाते हैं? देखिए, करेक्शन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमारे विभाग का नाम केवल जेल डिपार्टमेंट नहीं है, जेल डिपार्टमेंट एंड करेक्शनल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब करेक्शनल डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट को बाहर लोग जानते हैं कि सुधार गृह भी है, तो थोड़ा सा ये फोकस हमारा अभी इस पे बढ़ा है, लेकिन इसके लिए जो हमको मैन पावर चाहिए और बढ़ाने की ज़रूरत है, लाइक स्किल डेवलपमेंट में हम किसी को फर्नीचर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम, ये सब सिखा रहे हैं, लेकिन जो जिस बड़े लेवल पे होना चाहिए वो थोड़ा सा हम लोग लैग कर रहे हैं, और ये चैलेंज है, और अभी जल्दी इस पे बहुत हाई लेवल पे बैठक हो रही है, हम लोग पॉलिटेक्निक की सहायता से, एनजीओज की हेल्प से ये सब चीज़ें काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में हमारे। जो कैदियों को खाना दिया जाता है उसकी काफ़ी शिकायतें रहती हैं कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं रहती, क्वालिटी काफ़ी बेकार रहती है, इसमें इसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, जो खाना आम बंदियों को दिया जाता है वो एक आम हिंदुस्तानी को मैसर नहीं होता, मेरा मुझे ये कहना चाहिए, दोनों टाइम हम लोग उनकी प्रोटीन की नीड्स, उनकी फैट की नीड क्या है, उनको मल्टीविटामिन्स कितनी होनी चाहिए, ये हमारा खाना ही प्रोग्राम इस किस्म का शेड्यूल होता है जिसमें उनको रफेज मिल रहा है कि नहीं, फाइबर्स मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ करके प्लान्ड है, और एक एवरेज इंडियंस को जो अवेलेबल चीज़ है और जो उस लोकेलिटी की खाने का मतलब वो ट्रेंड है, ओरिएंटेशन है, जैसे वेस्टर्न यूपी में हम उर्द की दाल ज़्यादा देते हैं, ईस्टर्न यूपी में वो देते हैं, और क्वालिटी में शिकायत इसलिए भी आ जाती है कि हमारे यहाँ डेडिकेटेड कुक नहीं होते हैं, जो प्रिजनर है बाहर जो कल को रह रहा है वही आके खाना बनाता है, तो उसमें थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खाने के लिए बहुत तारीफ हमारे प्रदेश को मिली है, अभी 5-स्टार रेटिंग हमारे फर्रुखाबाद जेल को मिली, इसके अलावा 2-3 जेलें और हैं, मतलब ईट राइट प्रोग्राम जो उनका है FSSI का, उसमें हम खड़े उतरे हैं, और सरप्राइज जब भी विजिट होती है, अभी आपको भी मौका मिलेगा, आप दिखाएंगे कि आप ताजुब होंगे कि हमारा जो एवरेज खाना है, हाँ बहुत स्पाइसी नहीं मिलेगा, बहुत ऑयली नहीं मिलेगा जैसा अमूमन इंडियंस खा रहे हैं, लेकिन ऐसा खाना होता है जो हेल्दी होता है, और हमारा खाना कैलोरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के हिसाब से डिजाइंड है हमारा जो शेड्यूल है, हम महीने में 3 दिन स्पेशल डाइट्स देते हैं जिसमें पूड़ी सब्जी हलवा होता है,
हम नॉनवेज नहीं देते हैं लोगों को। ओके, वेज खाना होता है, वेज खाना है हमारे यूपी में, तो यही है, दूसरे स्टेट्स में नॉनवेज भी मिलते हैं। और जितने हमारे नेशनल हॉलीडेज हैं या बड़े हमारे त्यौहार हैं, होली, दिवाली, ईद, इन सब त्यौहारों पर हम लोग स्पेशल डाइट्स देते हैं। और अभी हम नए मैनुअल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें शाम के टाइम भी, पहले टी नहीं था, अब मॉर्निंग टी मैंडेटरी तो है ही है, अब इवनिंग टी और उसके साथ बिस्किट्स, ये सब मतलब चीज़ें बहुत सुधरी हैं। और फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि एक आम हिंदुस्तानी को जो चीज़ मैसर नहीं होती है, वो हमारे बंदी खाते हैं। और एक और इसको फैक्ट से बताना चाहता हूँ कि कई बार शिकायतें हुई कि बंदियों को डाइट कम हुई, कैलोरी कम हुई, तो हम लोगों ने जब सर्वे किया तो उनका एंट्री के टाइम पे जो वेट था और जो रिहाई के समय वेट था, इस कथित रूप से जो समाज में आप कह रहे हैं खराब खाना मिलता है, उसके बावजूद उनका वेट उन्होंने गेन किया था। मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल के लिए अगर इमरजेंसी होती है उसके लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? देखिए, हर जेल पे मिनिमम 20 बेड्स से लेकर 100 बेड्स तक का इंडोर हमारा हॉस्पिटल है। वहाँ राउंड द क्लॉक फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा क्वार्टरली और वीकली हमारे एक्सपर्ट्स टीम विजिट करती है जेल पे। और एक बहुत ही ये सुखद तथ्य है कि हमारे यहाँ जो क्रिटिकल बीमार बंदी हैं, एक एक बंदी पे हम लोगों ने 10-10 लाख, 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपया खर्च किए हैं जेल पे, और उनकी ज़िंदगी को हम लोगों ने बचाया है। हमारे जेल में डेथ रेट जो है बाहर के सोसाइटी के डेथ रेट से कम है। ओके, ट्रांसजेंडर्स, उनके लिए स्पेसिफिक क्या लॉज हैं जेल्स में? देखिए, ट्रांसजेंडर का नंबर ऑलमोस्ट नील है हमारे पूरे प्रदेश में। अगर 1.25 लाख बंदी हैं तो मैं नहीं समझता कि 7 से 8 से ज़्यादा संख्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं की जाए। उनके लिए गाइडलाइंस जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया है। उनको अलग ढंग से ट्रीट करना है। ट्रांसजेंडर में भी डॉक्टर देखता है कि उनका ओरिएंटेशन मेल का है कि फीमेल का है, उस ढंग से उनको सेपरेट रखते हैं, कोई इनको अपफ्रंट ना कर पाए, कोई उनको मतलब किसी ढंग से उनको तकलीफ ना हो, उनका टॉयलेट की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें देर मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस है और हम उसको फॉलो करते हैं। आपकी 25 साल की सर्विस में बेस्ट मोमेंट, बेस्ट आपने बेटरमेंट जेल्स के लिए आपने पर्सनली खुद क्या किया है? देखिए, मेरा शुरू से ही ये रहा है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बहुत सोच समझ के रूल्स रेगुलेशंस बनाया है, और इसको कितने अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पिछले 25 सालों में हम लोगों ने जो भी हमारे जेल मैनुअल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है, लेकिन कभी कभी इस रूल्स रेगुलेशंस के इतर भी हमारा एक ह्यूमन टच हो जाता है। जॉब करते समय कोई बहुत ही गरीब बंदी है, उसको बाहर जाने के लिए सहूलियत नहीं मिल रही है, या उसके घर पे घर के लोगों को कोई उत्पीड़न कर रहा है, तो हम लोगों ने ऑफिशियल लेवल पे जाकर के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके, SSP से बात करके उनको हेल्प दिलाई है, उनके बच्चों को उनको, या कभी कोई ऐसा त्यौहार आया जो बहुत इमोशनल सा है और हमको लगा कि इसको मदद की ज़रूरत है, तो NGO के थ्रू हम लोगों ने मदद की है। तो एक दो मोमेंट्स नहीं है जिससे हम चेरिश करें कि हमने ये अच्छा काम किया, लेकिन हमेशा ये लगा कि जो सरकार की तरफ से मैंडेट है उसको तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ मानवीय सहायताएँ हम कर सकते हैं उन बंदियों के लिए, उनके परिजनों के लिए, तो वो करते हैं। जब कोई कैदी जेल में आता है तो उसके अपने फैमिली से कैसे रिश्ते बने रहते हैं? जेल में आने के बाद क्या रिश्ते सुधरते हैं या बिगड़ते हैं, आप इस बारे में बताइए। ये बहुत ही मतलब इमोशनल सवाल है और बहुत सोचने की भी बात है। ये हमारे समाज के लिए भी एक उपदेश है और प्रेरणा मिल सकती है इससे और सीख भी सकते हैं। सबसे बड़ा कष्ट ये होता है जब आप कोई अपराध करते हैं तो आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे, आपके रिश्तेदारों पे एक जैसे अवमानना या अपमान सा महसूस होता है कि वो जेल गया है। आप निर्दोष बाद में साबित हो सकते हैं, लेकिन एक जो आपकी मान हानि होती है ये बहुत है। तो अपराध में उतरने के पहले हर आदमी को ये सोचना है कि आप न सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य का। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि आपके पापा ने क्या किया कि जेल चले गए, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जो बहुत हर्ट करती है। दूसरा पहलू ये भी है कि लंबे समय तक जब बंदी जेल में रहता है तो धीरे धीरे उनसे लोग कटने लगते हैं, थक जाते हैं लोग, पैरवी करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 10-15 साल से वो है, फिर वो लोग सोचते हैं कि हमारी बाहर की दुनिया की चीज़ें बिगड़ रही हैं, हमारा काम, व्यवसाय, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। कई मर्तबा ऐसा भी देखने में आता है कि पत्नी है वो भी साथ छोड़ने लगती है, नाउम्मीद होने लगती है, कोई दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि
पूरा परिवार उनके साथ लगा हुआ है, और जो हमारे बंदी जेल के अंदर काम करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उनको सरकार की तरफ से पारिश्रमिक मिलता है और स्किल्ड नॉन स्किल्ड सेमी स्किल्ड के हिसाब से अलग अलग वेजेज होते हैं, और इसको बढ़ाए जाने के लिए अभी सरकार प्रयासरत है। तो इन वेजेज का हिस्सा वो मनी ऑर्डर के थ्रू भेजते हैं अपने परिजनों को, और परिजन भी डिफरेंट बहुत दूर के हैं, तो जो महत्वपूर्ण त्यौहार है, राखी है, ईद है, होली है, दिवाली है, उस पर आके मिलते हैं, और मुलाकात के दौरान बहुत ही इस किस्म की भावनात्मक चीज़ें होती हैं कि हम लोग भी मूव कर जाते हैं कि कैसे ये स्थितियाँ आई हैं, और पत्र भेज सकते हैं, पीसीओ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आईटी रिवॉल्यूशन जो हुआ है उससे बंदियों को भी फ़ायदा हुआ है, और वो हम सरकार सुविधा दे रही कि हफ्ते में 3 बार पीसीओ के थ्रू आप घर पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक कनेक्टिविटी बनने से ये फ़ायदा है कि वो बाद में जब जाते हैं परिवार में तो उनका स्वागत होता है, अन्यथा खासतौर पर महिलाओं के संदर्भ में है कि जब वो छूट के जाती हैं, कोई वर्किंग महिला है जैसे मिडल लोअर मिडिल क्लास की जो दूसरों के घरों में काम करती है या फैक्ट्री में काम करती है, उनको एक्सेप्टेंस उनकी बहुत कम है, उनको कि यार जेल जाके आइए, इसे कैसे काम लेंगे। इस बारे में एक मूवी है बंदिनी करके, वी शांताराम की बहुत पुरानी मूवी है, लेकिन इसी इशू को एड्रेस करती है कि कैसे जेल से छूटने के बाद एक महिला को समाज स्वीकार नहीं करता और क्या यातनाओं से वो गुजरती। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा था, और इसमें इसको और अच्छा करने के लिए हमारे कानून में व्यवस्था पैरोल की दी गई है, होम लीव की दी गई है कि बीच बीच में आदमी अपने समाज में जाता रहे, ताकि फिर से जब उसे समाज में एकीकृत होना है, इंटीग्रेट होना है, तो वो छूटने के पहले जब जाता रहेगा तो अपना बिजनेस देख सकता है, खेती बाड़ी देख सकता है, अपनी चीज़ को संभाल सकता है, लोगों से रिश्तेदारों से रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज कोई 20 साल बाद 15 साल बाद छूट के जाता है तो एकदम ऐसा लगता है कि दुनिया पूरी बदल गई और हम अकेले पड़ गए, आइसोलेट हो जाता है वो पूरी दुनिया। तन्हाई क्या होती है और ये कब किसको दी जाती है? देखिए, हमारा जो भारतीय दंड विधान है, मतलब IPC है, पहले उसमें तन्हाई की सज़ा, मतलब सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा एक सज़ा के रूप में थी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जो किसी बंदी की आत्मा को एक तरह से खरोंच देता है, इस सज़ा को अब स्क्रैप डाउन कर दिया गया, मतलब आप किसी को आप तन्हाई की सज़ा नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको यह चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तन्हाई और एक सेपरेट कन्फाइनमेंट, मतलब अलग से किसी को रखना और तन्हाई में रखना, दोनों में फ़र्क है जी। तन्हाई जब होती थी तो वो किसी और बंदी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, ना किसी को देख सकता था। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स हैं या किसी को सेपरेट कन्फाइन करते हैं, तो सेपरेट कन्फाइनमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सेपरेट कन्फाइन कर सकते हैं, किसी को एक कोठरी में अलग रख सकते हैं, लेकिन वो बीच में खुल सकता है और उसे बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, देख सकता है। तो नाउडेज मतलब आप सेपरेटली किसी को कन्फाइन कर सकते हैं लेकिन तन्हाई में नहीं रख सकते हैं, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करना एकदम अनलॉफुल है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, नॉर्मली तो जेल रूटीन एक है, उसका फिक्स्ड है, मैनुअल में और सब चीज़ें चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कभी कभी बहुत बड़े चैलेंजेस जेल के ये होते हैं कि मास लेवल पे हंगर स्ट्राइक हो जाए किसी डिमांड को लेकर के, कोई बंदी खा ही नहीं रहा है, उनका डिमांड है कि ये हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही है, ये अत्याचार हो रहा है, इसको दूर करिए, या हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट पहुँचाइए। तो ऐसा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है, और हम लोगों ने जो इसको 2017 में झेला था, मैंने पूरी जेल हड़ताल पे थी, सेंट्रल जेल बरेली में मैं था, उनका समय पूर्व रिहाई के लिए सरकार से था कि जल्दी से हम लोग को जो आजीवन कारावास के बंदी हैं, लंबी सज़ा काटें, उनको पूरा किया जाए। तो उनको टैकल करना, एक साथ सब लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनकी डिमांड ऐसी है कि जो हम लोग तुरंत मीट आउट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे निगोशिएट करना है, बात करना, समझाना है। तो लगभग 3 से 3.5 दिन मुझे लगा था उसको ब्रेक करने में। दूसरा बड़ा चैलेंज जेल का है कि हमको हमारी ड्यूटी है कि कोई स्केप ना कर पाए, क्योंकि सेफ कस्टडी के लिए ही हमारे यहाँ भेजा गया है। तो इसमें कभी कभी सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाते हैं, कहीं कन्नाइमेंस हो गया या हम ध्यान नहीं दे पाए, तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। कभी सुरंग अटेम्प्ट कर लेते हैं लोग बना करके, या स्केप कर गए, बाहर काम कर रहे हैं वहाँ से स्केप कर गए, गेट में लापरवाही हुई, मुलाकात या अदालत के दौरान निकल लिए, काउंटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है उस समय कर लिए। तो एक स्केप भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं होना चाहिए। तीसरी है कि सुसाइड का केसेस, जेल का रेट थोड़ा सा ये रहता है कि इसको हमको रोकना है, और
ज़्यादातर जेल में आते ही आदमी डिप्रेशन में रहता है, घर परिवार से छूटा हुआ रहता है, और अगर उसे लग रहा है कि मुझे सज़ा हो जाएगी या मैं निर्दोष हूँ ये भी उसके अंदर फीलिंग आ रही है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और इसको रोकना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जेलों में क्या है कि आपके पास चादर है, उसको फाड़ के रस्सी बना लेते हैं, अपने कपड़ों को बना लेते हैं, और एकांत में गए टॉयलेट में वहाँ पे करते हैं, तो ये भी बड़ी घटना होती है। और इसको हम लोग हर कोशिश करते हैं कि बहुत से घटनाएं हम लोग रोकते हैं, लेकिन वो समाज में इसलिए नहीं आती कि रुका है, जी लेकिन जी जो घटनाएं होती हैं वो आ जाती है। हम कोशिश करते हैं कि उनको काउंसल करें, उनको लीगल एड प्रोवाइड करना, समझाना कि अभी छूट जाओगे, कभी कभी झूठा आश्वासन भी देते हैं। तीसरी घटना मैं सुसाइड के बताता हूँ। चौथा बड़ा चैलेंज होता है मास लेवल पर कोई वायलेंस हो जाए जेल के अंदर, पथराव हो रहा है या हॉस्टेज आपको बना लिया गया है। हमारे कई ऑफिसर्स हैं जब उनको हॉस्टेज बना लिया गया, पथराव कर लिया, तो बाहर से बड़े लेवल पे फोर्स को अंदर करना, और सबके पीछे मेन जो मास डिसकंटेंट का वो हम लोगों ने स्टडी किया है कि यही रहता है कि चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, आप एकाएक बहुत सख्ती कर रहे हैं, वो यूज़ टू हैं उन सुविधाओं को, आप एकाएक स्नैच कर रहे हैं, या आप एकदम उनकी मिनिमम बेसिक नीड को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उनका खाना पीने का स्तर ख़राब है, या उनका टॉयलेट ख़राब है, जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, या उनका एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को जो बड़ा क्रिमिनल होता है वो भुना लेता है, वो उसको लीड करने लगता है अपने पर्दे के पीछे रहते हुए। तो ये हमको हमेशा देखना होता है कि हमारी मास अपील जेल के अंदर बनी रहे, गरीब से गरीब बंदा ये सोचे कि हाँ ये मेरे ऑफिसर हैं तो मुझे केयर करते हैं, मेरे साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। तो ये मास वायलेंस की जो घटनाएं होती हैं पिछले सालों में, मतलब आज 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक सीरीज सा था कि हर जगह मास वायलेंस हो रहा है, या अभी आपने दूसरे राज्यों में देखा होगा कि जी बड़ी हिंसा हुई जेल के अंदर ही, लोगों ने मर्डर किया एक दूसरे का, तो ये सब चीज़ों से ये जेल ऑफिसर्स के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। काफ़ी सारे नोकीले पदार्थ से हथियार बना लेते हैं, ये कैसे बनाते हैं, आपने कोई ये देखिए बहुत रिकवर करे हो? बहुत इन्वेंटिव होते हैं ये, इनको चूंकि लिस्ट रिसोर्सेज इनके पास हैं और इनको उसी से कुछ ना कुछ बनाना है जी। बॉटल को कट करके उसमें बालू भर के वो डंबल बना लेंगे, वो किसी रस्सी के टुकड़े को किसी चीज़ में बांध करके चाकू है उसको घिस करके, मतलब चम्मच है तो उसको घिस के बना लेंगे, या आपने स्टील की थाली दी है तो उसको थोड़ा सा तोड़ दिया, या तार कहीं पा गए तो उसको बना लेंगे। तो काफ़ी इमेजिनेटिव इन्वेंटिव होते हैं प्रतिभाशाली इस मामले में। लेकिन इससे मुझे याद आ गया कि इनके अंदर और भी प्रतिभाएं होती हैं। हमारे जेल को ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की एक छोटी दुनिया है, यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे व्यवहार वाले लोग भी हैं, एडवोकेट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, साधु हैं, संत हैं, कवि हैं, लेखक हैं और नेता लोग हैं, सारे हैं, मतलब एक बाहरी दुनिया जैसी वैसी, जैसी बाहर दुनिया वैसी एक छोटी दुनिया यहाँ पर, उसी की रेप्लिका कह सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, कोई प्रिजनर कैदी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड है उसके ऊपर मोर पावरफुल है, या इसके अलावा कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल, किसके साथ डील करना आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है? मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि दोनों के साथ ही डील करना चैलेंजिंग भी है और चैलेंजिंग नहीं भी है। देखिए प्रोफेशनल क्रिमिनल जो हैं उनको अगर ये लगता है कि आप सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करेंगे और आपकी अपनी कोई जाति कमजोरी नहीं है तो उनके साथ डील करने में कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि वो तरह तरह से आपको कभी लालच भी दे सकते हैं, डराते भी, धमकाते भी हैं, और मेरे लंबे करियर में बहुत सारे जो भी बड़े नाम हैं वो सब मेरे साथ रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा उनको डील करने में इसलिए आसानी हुई कि मेरी एक अपनी बॉटम लाइन है कि मैं एक सीमा से ज़्यादा किसी को मदद नहीं होनी है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन उसी में रखना है जी। और मुझे न कोई लोभ है, और डर की जहाँ तक बात है तो सरकार जैसा सपोर्ट देती है उस पर आप पर निर्भर करता है कि डर का लेवल क्या है। फिलहाल हम लोग जो जितने निर्भय होकर काम कर सकते हैं ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाए थे। और पॉलिटिकल ग्राउंड के लोगों का भी यही है, सिमिलरली ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है और कैसा सपोर्ट हमारे सीनियर ऑफिसर्स का मिल रहा है और हम कैसे हैं, तीन फैक्ट है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग भी अगर सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है तो वो हमारे ऊपर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं, या हमारे सीनियर ऑफिसर्स या मेरा खुद का ईमान ऐसा है, थोड़ी दिक्कतें होती हैं आपको, लेकिन उसी के लिए तो हम पाते हैं पैसा, उसी वही हमारा जॉब है, वही हमारा स्किल टेस्ट है कि हम कितना उसको करते हैं।
और इसके लिए कभी कभी हम लोग को जीवन का खतरा भी उठाना पड़ता है। हमारे कई ऑफिसर्स की हत्या भी हुई, स्वयं मैं कई बार इन चुनौतियों से गुजरा हूँ। आपको तो कोई पर्सनल थ्रेट भी दिए गए? कई बार मैंने मुकदमे दायर किए उन लोगों के खिलाफ, और कई बार मेरे ऊपर अटैक भी हुआ। थ्रेट तो आए दिन की बात है कि तो फैमिली भी मतलब ये फेस करती जब है। कभी हम लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा तनाव में बच्चों को बता दिया तो थोड़ा वो भी तनाव में आते हैं जी, लेकिन अब वो भी यूज टू हो गए, 25 साल की सेवा लंबी होती है। जेल की मेन समस्या जो आजकल बताई जाती है कि ओवर क्राउडिंग है, जहाँ पर 40 लोगों को बैरक में होना चाहिए उसमें 2 गुना 3 गुना लोग हैं, तो इसकी इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? देखिए ये बहुत ही मतलब वेल एक्नॉलेज्ड प्रॉब्लम है, और ख़ासतौर पे भारत में और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये 3-4 ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ के पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसी रेशियो में क्राइम या अरेस्टिंग है। तो ओवर क्राउडिंग से निपटने का पहला तो सीधा साधा तरीका है कि आप जेलों की क्षमता बढ़ा दीजिए, कि अगर 40 की क्षमता है तो 100 रख रहे हैं तो 60 की क्षमता और बनाइए। लेकिन एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, और सरकार हमारी क्षमता को इंक्रीज करती रहती है। 25,000 30,000 पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने क्षमता बढ़ाई है। लेकिन इसके और भी कारण हैं। एक तो डिलेड ट्रायल है जी, जो अंडर ट्रायल लंबे लंबे समय से हैं, जितनी सज़ा हो सकती है उसका 50% 60% बिता रहे हैं। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे लॉ मेकर्स ने कई अमेंडमेंट लाए कि अगर 50% सज़ा बीत गई है तो उनको बेल दिया जाए, पीबी पे भी छोड़ा जाए, कोई गरीब बंदी है नहीं कर पा रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लेटेस्ट जजमेंट दिया है कि जैसे ही बेल हो, बंदे को मालूम नहीं होता है जेल में जो है कि उसका बेल हो गया जी, वो तुरंत हमको इंटीमेट करें, हम बताएं, अगर 7 दिन में नहीं बेल की सिक्योरिटी वो दे पाता है तो हम उसको उसकी कंडीशन रिलैक्स करके छोड़ें। तो एक तो स्पीडी ट्रायल हो जाए, दूसरा अर्नव कुमार का एक बहुत लीडिंग केस है, अर्नेश कुमार का, जिसमें 7 साल तक की अगर सज़ा हो सकती है तो उस तभी उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, अदरवाइज बहुत रेयर कंडीशन में उसको जेल। रीजन फॉर द अरेस्ट उसमें देना होता है। अर्नेश कुमार के एक जजमेंट है 2014 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसमें बताया गया है कि अगर किसी ऑफेंस में 7 साल की सज़ा है तो उसमें आपको रीज़न फॉर द अरेस्ट देना होगा कि आपने क्यों अरेस्ट करा, इसका रीज़न आपको लिखित में देना होगा। सर, जैसे कोई नया कैदी जेल में आता है तो कितने घंटे या दिन बाद वो अपने फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर सकता है, मतलब कॉल करके बता सकता है कि मैं जेल में हूँ? देखिए पहले तो आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ और गाइडलाइन है कि अरेस्ट होते ही उसके परिजनों को पुलिस इंटीमेट करे जी, लेकिन जेल में भी आते ही अगर हमको लगता है कि उसके परिजन सूचित नहीं है और वो बताता है तो तुरंत हम उसको सूचना देते हैं। फर्स्ट कॉल पीसीओ से हम लोग अपना अलाउ करते हैं फ्री उनको, कि वो अपने घर बात करके बता दें उस नंबर पे, देन वेरिफिकेशन वगैरह करा करके एफिडेविट ले करके हम पीसीओ से उसको बात कराते हैं, तो तुरंत ही वो हम लोग इंटीमेट करते हैं। एक्चुअली 24 घंटे के अंदर ही हमारा एक सीनियर ऑफिसर उसको सारी चीज़ें पूछता है, नाम, पिता का नाम, घर के लोग जानते हैं कि नहीं, मार्कअप आइडेंटिफिकेशन उसका क्या नोट करना है, मतलब उससे इंटरेक्ट करता है एटलीस्ट डेप्टी जेलर, जेलर लेवल का ऑफिसर। और वो अगर कोई ऐसी बात बताता है कि हमारे घर पता नहीं है या मैं वो दूर का हूँ तो बता दिया जाए, तो इमीडिएटली हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो हमारी ड्यूटी भी है और एक ह्यूमन एंगल से हमारा जी वो काम। मंथली या वीकली कितनी मीटिंग्स अलाउड होती हैं फिजिकली मीटिंग्स फैमिली मेंबर्स से? देखिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन हमारे यूपी में अभी अंडर ट्रायल वीकली थ्राइस, कन्विक्ट फोर्टनाइटली ट्वाइस ओके मुलाकात कर सकता है, अथवा मुलाकात के एवज में लेटर लिख सकता है। और कॉल्स के द्वारा ये अभी कोविड के पीरियड में हम लोगों ने कॉल की संख्या बढ़ा दी थी, क्योंकि मुलाकात फिजिकल संभव नहीं थी तो 5 बार कॉल कर सकते थे। अभी हमारे ऑनरेबल डीजी सर ने इसको रिड्यूस करने की बात की है, क्योंकि अब फिजिकल मीटिंग हो रही है, आ रहे हैं, मतलब 5 बार महीने में? हाँ 5 बार वीकली थे, वीकली फ़ोन कॉल। अब चूंकि 1-to-1 यहाँ मुलाकात हो रही है, आके मिल रहे हैं, तो उनके फ्रिक्वेंसी उस कॉल्स की अब रिड्यूस होने वाली है। कुछ मिथ्स हैं आमजन के बीच में कि जैसे जेल का सबसे बड़ा अधिकारी जेलर होता है जी, तो आप इसको क्लियर करें। देखिए चूंकि जेल है तो जेल से डिराइव्ड वर्ड जेलर है, तो सोचते हैं कि अब जेलर ही सबसे बड़ा होगा जी, लेकिन ये बहुत पहले से मतलब फिल्मों में भी जाता है तो जेलर दिखाया गया, लेकिन बहुत सी फिल्मों में आप देखेंगे जेल सुपरिटेंडेंट ही दिखाया गया है। तो जेलर मेन एग्जीक्यूटिव अफसर हमारा होता है, मतलब सारे दिशा निर्देशों को इम्प्लीमेंट करना जेलर, और उसको सहायता के लिए डेप्टी जेलर होते हैं, कहीं कहीं असिस्टेंट जेलर होते हैं, और इसका नॉमिनेचर अलग अलग स्टेट्स में अलग है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डेप्टी सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट होता है वो जेल का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है।
एक अहमियत है कि दिन और रात अलग काउंट होते हैं, दो दिन काउंट होते हैं। वो जैसे इसलिए होता है कि आम जनता सोचती कि इस बंदे को तो 10 साल की सज़ा सुनाई गई और ये 6 साल बाद ही आ गया या 5 साल बाद आ गया जी। तो इसकी दो वजहें होती हैं। जिस दिन सज़ा होती है उसके पहले वो अंडर ट्रायल के रूप में कुछ दिन बताया रहा होता है, तो वो उसमें सेट ऑफ हो जाता है ना, मुजरा हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरा, जिस दिन से सज़ा पड़ती है, जेल सुपरिंटेंडेंट को ये एक बड़ा अख्तियार है कि वो उसको सज़ा को कम करता है। महीने में 3 दिन अगर अच्छा काम किया है तो 3 दिन की छूट देता है, और अच्छा उसका चाल चलन तो 3 दिन की छूट देता है, और संडे को छुट्टियों में भी काम करता है तो 7 दिन। तो ऑलमोस्ट 1/3 वो हर महीने सुपरिंटेंडेंट को पावर है उसकी सज़ा को कम करने की। इसके रेमिशन बोलते हैं, जनरल रेमिशन है। गवर्नमेंट कभी कभी बड़े पर्व पे या किसी बड़े ओकेजन पे छूट प्रदान कर देती है, तो वो अंडर ट्रायल पीरियड जोड़ लेना और इसकी छूट को घटाने के बाद कभी कभी 10 साल वाला बंदा पता चला 6 साल में छूट के घर चला गया जी। तो लोग सोचते अच्छा इसलिए हो गया कि 10 साल में दिन भी जोड़ते हैं एक दिन और रात वाले को भी एक दिन जोड़ते हैं, तो इसलिए ये वहम या मिथ है। जी जी जी। आजीवन कारावास वाकई क्या जीवन भर के लिए होता है? देखिए, इस पर बहुत बहस चली थी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्टली ये अपहेल्ड कर रखा है कि आजीवन कारावास का मतलब आपके अंतिम सांस तक सजा है। लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लॉ है, स्टेट्यूट हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि भले चाहे जिसको जो सजा हो, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को जी, आर्टिकल 71 और 161 में पावर है कि उस सजा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। तो आजीवन कारावास की जो सज़ा है दया याचिका या मर्सी करने पे, उसको प्रेसिडेंट या राज्यपाल जैसी स्थिति हो उसको कम कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए हम देखते हैं आजीवन कारावास के बंदी जो है 18 साल, 16 साल, 20 साल, इवन 10 साल, 8 साल पे भी छूटते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि 14 साल की सज़ा होती है आजीवन कारावास, 20 साल की होती है। वो ऐसे इसलिए सोचते हैं कि जैसे अब पावर वो तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की, वो कम होने पे भी छोड़ सकते हैं 14 साल से कम। लेकिन जो सरकार की पावर है वो CRPC 432-33 में है, उसके लिए मैंडेटरी है कि कम से कम 14 साल उनका बीता होना चाहिए। वो सरकार जब छोड़ेगी, मतलब आप समझिए फ़र्क, राज्यपाल राष्ट्रपति अलग हैं, उनको संवैधानिक शक्तियाँ हैं, और कानूनी शक्तियाँ राज्य सरकार को हैं वो 432 433 CRPC में या और हमारे जो एक्ट हैं उसके तहत है। तो उससे जब छूटेंगे तो 14 साल पूरा होना आजीवन कारावास की बंदी को ज़रूरी है। तो आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास होता है, लेकिन एट द सेम टाइम राष्ट्रपति राज्यपाल उसको पहले छोड़ सकते हैं, सरकार भी पहले छोड़ सकते हैं। एक्चुअली इसको हम समय पूर्व रिहाई बोलते हैं, PMR, प्री मैच्योर रिलीज जी। ये सरकार और संविधान प्रदत्त राज्यपाल राष्ट्रपति को शक्तियाँ हैं, ये उसके तहत पहले छोड़ दे सकते हैं। वो इसलिए भी किया जाता है कि अगर किसी को आजीवन कारावास जेल में रख के मरने दम तक ही रखना है, तो फिर हमारी उस फिलॉसफी का क्या कि हम सुधारने के लिए किसी को सजा दे रहे हैं, तब तो उसे एक तरह से अंतिम सांस तक जिंदगी जीने का जेल में ही जब है वो क्यों सुधरेगा। तो जब उसको मालूम रहता है कि मुझे 14 साल बाद मैं छूट सकता हूँ, बाहर दुनिया में जा सकता हूँ, हमारा मकसद भी है कि अपराध कम हो, अपराधी वापस आकर के अच्छा नागरिक बने, तो इसलिए ये व्यवस्था समय पूर्व रिहाई की गई है कि वो जेल में भी उसको मोटिवेशन रहता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो छूट जाऊँगा, जेल में अनुशासन बनाए रखेगा, काम करेगा। बाहर के समाज में भी ये है कि चलो भाई काम कर लिया, सजा भुगत लिया, अब आके एक नई जिंदगी जी रहा है जी। जो कि हमारा उद्देश्य भी है कि बंदी के अंदर सुधार होना है और मुख्य धारा में शामिल हो। फांसी की सज़ा भुलने के बाद इतना ज़्यादा डिले क्यों होता है फांसी देने में? देखिए, चूंकि फांसी की सज़ा ही एक सज़ा है कि अगर उसमें कोई गलती है तो दोबारा उसको करेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार आपने तुरंत जल्दीबाजी में फांसी दे दी, तो अगर बाद में किसी तरह पता चला कि यार ये गलती हो गई, तो एक तरह से वो जुडिशियल मर्डर हो जाएगा। इसलिए विदेशों में तो फांसी की सज़ा को कई देश मना कर चुके हैं कि हर जगह ह्यूमन एरर का चांस होता है। अगर फांसी की सज़ा आपने दे दी और ह्यूमन एरर कोई बाद में पकड़ा गया, तो एक तरह से न्यायपालिका की तरफ से हत्या कर देगी। इसीलिए हमारे यहाँ कई फोरम दिए गए हैं, जैसे ही सेशन कोर्ट फांसी की सज़ा सुनाता है वो बंदा अपील करे चाहे नहीं, हाई कोर्ट को सीधे सेशन कोर्ट भेज देता है जी कि आप इसको अप्रूव। जेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आम जन को या तो मीडिया से मिलती है या IPS वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आप काफ़ी नज़दीक से देखते हैं उसे, तो ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट्स आप देखना चाहते हैं कि ये जेल्स में होने काफ़ी ज़रूरी हैं और ये फ्यूचर में हों? हाँ, देखिए आपने सही बात बताई कि ज़्यादातर हम लोग को बहुत कम फोरम पर बुलाया जाता है जेल ऑफिसर्स के रूप में। चीज़ें बदल रही है, पहले से सुधर रही है, लेकिन बतौर जेल अधिकारी हम लोग की सबसे बड़ी, मतलब पहले अधिकारियों की
जरूरतें क्या है, फिर बंदियों की जरूरतें क्या है, दोनों दो पार्ट में बताऊँगा। अधिकारियों की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि जिस संख्या में हमको चाहिए बल, हमारे ऑफिसर्स के नंबर्स, पोस्ट जो हमारी वैकेंसी लाई कर रही है या पदों की जो बढ़ोतरी होनी है वो नहीं है। एक इस बारे में कमेटी बनी थी, जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके अध्यक्षता में, उसे जेल सुधार की गीता कहते हैं हम लोग। वो ऐसे ही उस पर बहुत कम वर्क हुआ है, तो वो उसमें एक रेशियो फिक्स है कि 1:6 प्रिजनर और ऑफिसर का रेशियो होना चाहिए। वो रेशियो न होने से हम ओवरबर्डन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम रहते हैं। तो नंबर एक कि हमारी संख्या बल बढ़ना चाहिए और उनके प्रोन्नति के चांसेस होने चाहिए। समाज में हमारा रिकग्निशन जेल ऑफिसर्स का बहुत पुअर है, वो कुछ घटनाओं दुर्घटनाओं को लेकर भी हो सकती है, और इन जनरल लोग विलिंग नहीं होते हैं जेल में काम करने के लिए क्योंकि बाहर इनकी पहचान का एक संकट है। तो ये सब चीज़ें हों, और नए मॉडल जेल मैनुअल में भी और हमारे मैनुअल में भी अब स्टाफ वेलफेयर की बात ये सब की जा रही है, और गुड वर्क के लिए कमेंडेशन डिस्क अवार्ड, ये सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। तो एक तो बतौर अधिकारी हम लोग ये चाहते हैं, दूसरे हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी, हम लोग मोस्टली निहत्थे होते हैं, बड़े क्रिमिनल्स को डील करते हैं, बाहर जाते हैं, तो आर्म्स एम्यूनेशंस हम लोग को सेफ्टी के हिसाब से मिले सारे अधिकारियों को, ये बात। और दूसरा जो बंदियों के हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ आपने पहले इंटरव्यू में पूछा था, ओवर क्राउडिंग। हम एक छोटे से घर में अगर 3 आदमी रह रहे हैं, 4 मेहमान आ जाते हैं, तो स्थितियाँ बड़ी बिगड़ जाती हैं। वहाँ उनको परमानेंट रहना है, उसी प्रोपोर्शन में टॉयलेट्स हों, बाथरूम हो, एक्सपेंशन हो कैपेसिटी का, सरकार कर रही है, बहुत तेज़ी से कर रही है, और हम लोग चाहते हैं कि एक ओवर क्राउडिंग की समस्या बहुत बड़ा, जैसे ओवर क्राउडिंग कम होती है डिसिप्लिन ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है। नहीं तो कुछ जगहों पे सुना गया है देश के कुछ जेलों के बारे में कि वहाँ शिफ्टिंग से लोग सो रहे हैं, या जगह दूसरा माफिया बेच रहा है उसको सोने का, या कम जगह का फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरे चीज़ों से, फिजिकल एक्सप्लाइटेशन चीज़ें हो रही हैं। तो एक ओवर क्राउडिंग रुकनी चाहिए। दूसरा, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, अभी हमको कोई भी बंदी सीरियस बीमार हो तो मेडिकल कॉलेज रस करना पड़ता है, तो हम लोग चाहते हैं कि 4-5 जेलों के ऊपर एक जेल हो कमिश्नरी लेवल पे, जहाँ पे CSC जैसी फैसिलिटीज हो, उसके सारी चीज़ें MRI हो सके और सब चीज़ें हो सके, तो बड़े क्रिमिनल्स भी बाहर उसे नहीं जा पाएंगे, और उनका स्पीडी ट्रायल हो बंदियों का, सबसे बड़ी समस्या है। तो ये बतौर जेल अधिकारी हम यही चाह रहे हैं बंदियों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए। ऐसा माना जाता है कि जेल को मेन कैदी ही चलाते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, ये इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, कैदी चलाते नहीं बल्कि कैदी हमारे प्रबंधन में भागीदारी करते हैं। ये एक आज दूसरे विभागों के लिए नई बात होगी, एक पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की बात की जाती है, लेकिन ब्रिटिश पीरियड से ही उस समय उनका वजह दूसरी रही होगी, लेकिन ये था कि हमारे स्टाफ कम रहें और बंदी को भी उसमें एनरोल कर लिया जाए उसमें काम में। तो एक्चुअली हमारे वो जो बंदी, बाहर की भाषा में लोग पक्का, नंबरदार और तमाम चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हमारा एग्जैक्ट वर्ड है कन्विक्टेड ऑफिसर्स, कन्विक्ट जेल ऑफिसर्स। वो ऑफिसर हैं जेल के और कन्विक्टेड हैं, और उसके लिए उनको अलग से रेमिशन मिलता है, अलग से रेम्यूनरेशन मिलता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको मोटिवेशन भी मिलता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हम ऑफिसर्स के साथ रह के हेल्प करेंगे, काम करेंगे, और उसका कई मकसद भी हमारा सॉल्व होता है। वो हमारे लिए इंटेलिजेंस भी मुहैया कराते हैं, जब जेल बैरक बंद होते हैं बैरक के अंदर हमारे वही लोग होते हैं जो काम कर सकते हैं रात को, अदरवाइज कोई घटना दुर्घटना हो उन्हें पर अंदर कंट्रोल करना, हमारा सिपाही अंदर नहीं रहता है। तो एक तो हमारी जो वैकेंसीज हैं उसको फुलफिल करने में वो मदद करते हैं, उस काम को करने में, और सेफ्टी सिक्योरिटी में उनकी भागीदारी रहती है तो वो भी फील करते हैं हम पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके पॉजिटिव चीज़ें ये हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ कभी कभी ये हो जाती है कि उनकी रिलायबिलिटी एकदम वैसी नहीं होती जैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते, या बहुत उनके अगेंस्ट हम एक्शन नहीं ले सकते हैं, वो डिच कर दिए, कोई हमारी सूचना लीक कर दिए या आपके खिलाफ ही मुखबिरी कर दी, तो ये थोड़ी सी उसके चैलेंजेज हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रथा है। हालांकि इसका रेशियो थोड़ा कम हो सकता है, कभी कभी बंदी जो ऐसे होते हैं वो दूसरे बंदियों का शोषण भी करते हैं, ये भी एक इसका बैड एस्पेक्ट है। तो हमको रेगुलेट करना, उनको कैसे मॉनिटर कैसे करना है, यह हम अधिकारी के ऊपर निर्भर। इतना लंबा आपका करियर रहा है, तो आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स ऐसी क्या हैं जो आप हमारे साथ या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, जब लोग नौकरी में आते हैं तो लगता है कि नौकरी मिल गई बड़ी बात है जी, लेकिन जब आते हैं तो नौकरी में सरकार का मैंडेट क्या है, उसकी पॉलिसी को कैसे अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और अच्छा जब काम करते हैं तो आपको संतोष मिलता है,
और सरकार उसको रिकग्नाइज भी करती है। 25 साल की सेवा में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला और डीजी सर की तरफ से भी कई कमेंडेशन डिस्क मिली। बहुत गोल्डन मोमेंट्स मेरे लिए रहा कि मैं ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट में 2 बार अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया और दोनों बार, एक बार गोल्ड एक बार सिल्वर ब्रांज सब जीता। हमारे डीजी सर ने व्यक्तिगत रूप से हमको पैटअप किया, ये सब एक संतोष की बात है। अभी तमाम पॉलिसी चीज़ों में हम लोग कंसल्ट किया जाता है हायर लेवल पे। नया जेल मैनुअल जो बना उसमें हमारी भी भूमिका रही छोटी बहुत, तो एक संतोष मिलता है कि हमने अच्छे से अपना कर्म किया, काम किया और निभाया। अभी इस चैलेंज को हम लोग निभा रहे हैं। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, काफ़ी नई जानकारी मिली होगी, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे लिए, लोगों के लिए ये टाइम निकाला और सारी इन्फॉर्मेशन दी। रेदर मैं भी आपसे ज़्यादा आपके लिए थैंकफुल हूँ कि मुझे एक फोरम आपने प्रदान किया कि हम बिहाइंड द वॉल्स जो चीज़ें हैं वो बाहर तक बहुत कम पहुँचती हैं और इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है। हम जितना अपने को ओपन अप करेंगे, जितनी चीज़ों को बताएंगे, वैसा सोसाइटी समाज में हमारे बारे में अवधारणा जो है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होंगे। और जेल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे एक्सेस बहुत कम है लोगों का, पब्लिक का भी, सबका, तो एक तरह से आपके थ्रू एक्सेस मिला लोगों को। और मैं सबको, अपने श्रोताओं को और आपको आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।